चाचा शुरू कर दिया अपने चुवाई। हाँ चुवाई कर दिया भाई। अच्छा अच्छा भाई, ये भी कैटलैंड डेयरी फार्म के ऊपर होने जा रहा है भाई, मिल्क स्प्लैश चैलेंज होने जा रहा है। चाचा तैयार? अब्दुल्ला तैयार? गो ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ एबी कैटल एंड डेयरी फार्म में मौजूद हूँ। अब्दुल्ला भाई का ये एक फार्म है, डेयरी और कैटल फार्म है बेसिकली, और ये एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सोचा कि क्यों ना इनके फार्म के ऊपर विजिट किया जाए। और ये है कि आज आपको मिल्किंग जो काउस जो यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आपको दिखाई जाएंगी, और अगर आपका इरादा है ख़रीदने का तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो मैं अब्दुल्ला भाई का नंबर ये मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, ज़रा अब्दुल्ला भाई को बुलाते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि भाई एबी कैटल एंड डेयरी फार्म क्या मोटिफ है, कब बना, क्या सीन है और क्या इनके आगे के प्लान्स हैं। ठीक है, अच्छा तो ये है कि लास्ट में हम लोग करने जा रहे हैं एक डायरेक्टली गाय के जो है थन से डायरेक्टली हम लोग के दूध पीएंगे, और तो देखते हैं कि आया तो वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कि फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हम लोगों का। तो आइए ज़रा चलते हैं, ज़रा अब्दुल्ला को बुलाते हैं और देखते हैं कि ज़रा इसके पास कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो हैं फॉर सेल के हैं। तो आइए अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक, आप बताएं नुमान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बस जैसे नुमान भाई ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है मेरा, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो बेसिकली ये मेरा एक पैशन था, शौक था, सही है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे। बिल्कुल। तो मैंने पहले घर वालों से काफ़ी डांट सुनी इस बारे में। हाँ। ये तो एक नेचर है कराची में कि भाई ये काम नहीं करो, गंदा काम है, ये है वो, इतना बोलते हैं। लेकिन बस किसी तरह मैंने जिद करके इजाज़त ले ली और अपना बिजनेस खड़ा कर लिया माशाल्लाह। तो फिर ये शौक था मेरा जो कि अब मुझे यह फ़ायदा भी दे रहा है। तो बेसिकली आज जो मेन हमारा टॉपिक था थरी के लिहाज से था, क्योंकि नुमान भाई मेरे पास आए थे, वो पूछ रहे थे यार थरी के बारे में बताओ ज़रा कि क्यों रखे हुए, क्योंकि इतने लोग इस्तेमाल नहीं करते थरी। तो बेसिकली थरी मैंने इसी वजह से रखा था कि गाय का जो फ्रीजन एक नस्ल होती है, जैसे आपको पता होगा, उसकी दूध की जो प्रोडक्शन है, दूध की जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आती है बरक्स थरी जानवर के, क्यों, और उसका जो क्या कहते हैं, एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, ड्रॉबैक है कि उसका दूध जो होता है ना काफ़ी पतला होता है फ्रीजन का। तो इस वजह से थरी का इसमें एक एडवांटेज होता है कि इसका जो मिल्क होता है ये मतलब 80% जो है ना आपका कह सकते हो कि भैंस से वो करता है, रिसेम्बलेंस करता है। और दूसरी बात ये है कि इनमें बीज अगर आप करो तो उसमें अच्छी प्रोडक्ट आता है, आप जानवर बच्चे अच्छे आ जाते हैं। ऑनवर्ड्स मतलब कि पलाई के भी बारे में ज़रा लोगों को बताओ कि ऑनवर्ड्स कमिंग सून है पलाई? इंशाल्लाह कमिंग सून है पलाई के, उसमें मैं फीड भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इंशाल्लाह, अपना फीड ज़बरदस्त इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसमें होता है वेट ग्रोथ होती है, उसमें वेट गेनिंग के ऊपर, ठीक है, के ऊपर मेरा काम चल रहा है। तो वही जैसे इंशाल्लाह फर्दर मेरा सक्सेस हो जाता है इसमें तो फिर मैं पलाई का सिस्टम भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ज़बरदस्त, चलो ठीक है फिर अब्दुल्ला, ज़रा अभी ज़रा चलते हैं ज़रा, और ज़रा तुम्हारी ज़रा एक एक ज़रा हम ज़रा इस पर देखते हैं, ज़रा काव देखते हैं, ठीक है? ओके आ जाए। चलो तो भाई यार ये आ गई है अब्दुल्ला की पहली गाय। तो जी अब्दुल्ला, ये भाई थरी है। हाँ। ये पहली हमारी थरी है, तकरीबन इसका जो है मिल्क 4 kg टाइम का है। हाँ, ठीक है, डे पे जाएं तो 8 kg बन जाएगा। 8 kg या 8 kg से कम भी बनता है? हाँ, 8 का भी, हाँ वो आपका डिपेंड करता है कि आप इसको राशन कितना डाल लें। ठीक है, हाँ तो उस हिसाब से फिर ये आपको मिल्क देगी। ठीक है, तो ये मैं आपको ज़रा ये साइड पोस्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि भाई ये आइटम क्या है। बाजू कहेंगे यार थन दिखाओ, तो मैं आपको ज़रा थन भी दिखाता हूँ कि क्या सीन है इसका, थन आप चेक कर लो भाई। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम लाइव वेट की बात करें तो अब्दुल्ला का लाइव वेट क्या है? एवरेज वेट तकरीबन 5-5.5 मन इसका है। 5-5.5 मन की है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट ले आओ ये बेटा ज़रा। अच्छा भाई यार ये अभी अब्दुल्ला की आ गई है ज़रा दूसरी गाय। सबसे पहले ज़रा इसका ज़रा मिल्क एवरेज पूछते हैं कि अब्दुल्ला क्या इसका एवरेज दे रही है ये? बेसिकली मेरे पास जितने भी जानवर हैं उनका सेम है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सेम है। हाँ ठीक है, तो इसका भी
4 kg आ जाता है, ठीक है, टाइम का, ठीक है, 4 kg के अप्रोक्स। अच्छा, और अगर हम लाइव वेट की बात करें तो ये लाइव वेट में क्या है ये? अभी ये गोश्त का मैं आपको बता देता हूँ, गोश्त का तकरीबन 4 मन इसका है। अच्छा, गोश्त का इंशाल्लाह 4 मन होगा, 4 मन होगा। अच्छा, कोई कोई भाई अगर कहे कि भाई यार मैं तो उसको मतलब के तोल के लूंगा, मतलब के वेट करके लूंगा, तो क्या तुम्हारे पास एक ऐसी वो है फैसिलिटी है? मुझे तो नजर आ रहा है, मुझे यार कांटा नजर आ रहा है तुम्हारा, ये मशीन मैं इसीलिए लिए, मेरा जो कट्टू का मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कट्टू का मेरा काम है, तो ये है कि मेरा टोटली जो है इसमें ही वेट में ही जाता है कट्टू का माल, ठीक है, सही है, जो आएगा आपके रेफरेंस से इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है, वेट के भी हिसाब से इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, तो ये जा सकती हैं। तो ये हो गया सेकंड, और दिखाओ तो दूसरी दिखाओ बेटा। अच्छा भाई यार एक और एक ये आ गई, भैंस आ गई है ये? हाँ ये भैंस है, मिस भूरी नाम है इसका। मिस भूरी या मिस भूरी? मिस भूरी, भूरी बाबा। हाँ तो इसमें ये खास बात होती है, इन नस्ल का जो होता है, इस नस्ल का दूध जो होता है मीठा होता है कुदरती। अच्छा हाँ सही है, जबरदस्त। इनके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं काफी, ठीक है, होते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी अभी एज क्या है? इसकी ये भी पूरी है दांतों में, लेकिन झोल सेकंड टाइम आ रही है, ठीक है, सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ जरा यहाँ पे जरा, माशाल्लाह से यार यार अच्छी वो है गर्दन में। नस्ल में वैसे क्या है ये? भूरी नस्ल, उसको भूरी नस्ल ही बोलते। अच्छा, भूरी नस्ल से मशहूर है ये जी। तो ये है कि यार मिल्किंग क्या इसका दे रही है, एवरेज दे रही है वैसे? अभी ये तकरीबन 6 महीने हो गए हैं इसको दूध देते हुए, तो अभी इसका एवरेज तकरीबन है 5 से 5.5 किलो पर, मतलब टाइम का, टाइम का देरी आप लगा लो तो अप्रोक्स 10 किलो हो जाता है, 10 किलो की अप्रोक्स हो जाता है। तो ये है कि भाई यार थनों से ओके वैसे अब्दुल्ला? ये माशाल्लाह भाई। तो ये आपके सामने आ गया ये चड्डा, तो ये है कि ये भी वो है फॉर सेल अब्दुल्ला जी? बिल्कुल फॉर सेल है ये। अच्छा, तो ये अभी लाइव वेट में क्या होगी? ये इसका तो ऊपर है तकरीबन, इसका अगर आप गोश्त में हिसाब लगाएं तो 7.5 मन तक इसका इंशाल्लाह गोश्त है। 7.5 मन 8 मन इंशाल्लाह, 7.5 से 8 मन के गोश्त है। और ये है कि ये वही बात की। अच्छा, तो ये कि ये मीट के हिसाब से जा रही है या ये मिल्किंग पे जाएगी? ये अगर जो भाई इंटरेस्टेड है उसमें, मतलब इसको लगा के इससे बच्चा लें और उसके बाद फिर मिल्किंग लें, तो मिल्क इससे लें तो बहुत अच्छा फायदे में रहेगा। अच्छा ठीक है, एज कम्पेयर टू कि अगर तो वो के मीट मीट पर मीट के लिए ले, ठीक है, सही है। तो ये मिस भूरी, ठीक है भाई चाचा, ओके बाबा। एक और आइटम ले आते हैं जरा, जरा दिखाते हैं जरा। अब अजान हो गई है तो एक काम ये करते हैं, अभी हम जरा अजान का ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह, तो फिर अजान के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, एक और आइटम इसके पास आगे अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला क्या है ये थरी में, किस में ये? ये मलेरी भी बोलते हैं इसको। हाँ ये प्योर मतलब थरी नहीं है। हाँ थोड़ा इसमें देसी टच भी है। हाँ क्योंकि जो उसके जो सिंग है वो थोड़े से वो गए पीछे या पीछे गए हैं, और इसके बच्चे भी काफी अच्छे निकलते हैं। अभी लास्ट जो इसका बच्चा था वो गुलाबी था। अच्छा, गुलाबी बच्चा निकाला इसने? इसने निकाला, ठीक है, सही है। तो माशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। अच्छा यार ये बताओ कि इसका जो बच्चा है वो है फॉर सेल है या वो नहीं है? नहीं वो फॉर सेल नहीं है, फॉर सेल नहीं है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। तो ये बताओ कि मतलब कि तुमने तो खैर ये बता दिया कि ये एक अच्छा यार ये इसमें नहीं कट तो, अच्छा तो मतलब कि मीन्स ये हिल रहा है। अच्छा मीन्स ये है कि ये एक अच्छे पीसेस मतलब कि निकाल रही है मतलब कि ना। हाँ। इसका अभी झोल कौन सा है? इसका दूसरा पेट था, दूसरा पेट था जी, ठीक है, सही है। तो ये अभी वेट में क्या है? ये कम है बाकी दूसरे जानवरों से, तकरीबन ये 3 मन के अप्रोक्स होगी, 3 मन के अप्रोक्स होगी ये जी, ठीक है। और ये वेट इसमें जो है मिल्क एवरेज क्या दे रही है अब्दुल्ला? ये एवरेज ये इन दूसरों से अच्छा है, इसका तकरीबन 4.5 किलो तक हो जाता है टाइम का। अच्छा वेट में कम है और एवरेज अच्छा दे रही है ये, क्योंकि नस्ल थोड़ी दूसरी है देसी की है, और क्या कहते हैं मलेरी इसको बोलते हैं, मलेरी गाय है, ठीक है। और अगर जिसको लेने ही है तो अगर ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए लेगा तो काफी अच्छे ये बच्चे देती है। अच्छा अच्छे बच्चे निकालती है ये, ठीक है, सही है। तो ये एक मैं आपको ओवरव्यू तो खैर दिखा दूं मैं आपको, बेटे घुमाओ जरा इसको, जरा आप लोग देख लो चेक कर लो। अब्दुल्ला का यहाँ पे आ रहा है नीचे, इसमें इसी वीडियो में भी आ रहा है, नंबर आ रहा है, और अगर वीडियो से अगर आपको नंबर मिस हो जाए तो वो नंबर आपको आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई एक और यार ये आ रही है, भैंस आ रही है, देखते हैं जरा। सबसे पहले जरा ब्रीड पूछते हैं कि क्या क्या ब्रीड है ये? ये है लाड़काना की भैंस है। हाँ सही है, इसमें एक डिफेक्ट है, ये है तिल्लर, तिल्लर का
क्या मतलब? मतलब ये चिल्लड़ का ये मतलब होता है तीन थन वाली, तीन थन वाली, एक थन जो इसका कम है। हाँ आप फोकस करें, गुल्लू रोको इसको, एक मिनट रुकना जरा, इसके थन में आप फोकस करें, इसका उठा हुआ होगा ऊपर। अच्छा ये मैं जूम जरा करता हूँ, थोड़ा सा जरा लोगों को सर नज़र आ जाए, इस साइड के ऊपर है बेसिकली। हाँ ये देखें थन जो है ये उठा हुआ है। अच्छा ठीक है, जो भी मतलब बिगनर्स है ना वो मतलब दूध का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए इनको। तो ये फिर ये बाद में ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी काम नहीं आते। अच्छा क्योंकि फिर जब ये डिलीवरी के टाइम जो है मसला हो जाता है, बच्चे भी मर जाते हैं। ठीक है सही है, और दूध भी जो है फिर चार थन से नहीं आएगा, तीन थन से क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी कम होगी। तो कि जब वैसे तुमने ली थी तो फिर तुम्हें आइडिया था ये वो तीन थन में? हाँ मैंने ली थी तो आइडिया था। हाँ उठा ली थी। हाँ इसका फिर भी दूध काफी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा एवरेज क्या दे रही है दूध पे? इसका तकरीबन 8 किलो है पर डे का, 8 किलो पर डे दे रही है ये तीन थन में। ठीक है सही है, क्योंकि नस्ल बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, तो ये भी वो है फॉर सेल है? फॉर सेल है। हाँ ठीक है, अगर आप मीट में अगर इसको लेके जाए हाँ तो तकरीबन ये 8 मन के करीब है। 8 मन के करीब ये वो है। ठीक है गोश्त में? जी गोश्त, गोश्त की बात करो, और वो जिंदा ऊपर ही है? जी जिंदा तो फिर ऊपर। ठीक है भाई यार ये भी फॉर सेल है भाई। अब्दुल्ला का नंबर यहाँ पे वीडियो में भी आ रहा है और अब्दुल्ला का नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी है, और जिन भी भाई को अगर इसमें समझ में आए तो आप लोग ज़रूर आप लोग इसे कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट आइटम अभी आपको हम लोग दिखाते हैं। अच्छा भाई एक और यार ये अभी वो आ गई है, मैं हाल में किसमें ब्रीड में मौजूद है, थरी में मौजूद है या? ये बिल्कुल प्योर थरी है जिसको बोलते हैं, प्योर थरी की। वैसे मतलब कि पहचान क्या है कि तुम यार सिंगों के ऊपर तुमने क्या बताया? सिंग है थोड़ी उसकी बड़ी होती है। हाँ लंबी होती है और जो फेस होता है ना थोड़ा। हाँ पंच फेस टाइप। हाँ ठीक है, इसका जो पहला बच्चा हुआ था वो पंच फेस था जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है। अच्छा जिसके छोटे मुंह होते हैं और आगे से जो है थोड़ी इसकी नोज की तरफ से उठान होती है। अच्छा तो इसका बच्चा अभी मतलब कि तुम्हारे पास ही हुआ है या ये? नहीं वो तो मेरे पहले दोस्त के पास थी ये तो उधर हुआ था। हाँ अभी जब मेरे पास हुआ तो उसमें भी प्योर थरी ब्रीड आई है लेकिन पंच फेस नहीं आया। ठीक है सही है, उम्मीद थी पंच फेस की लेकिन आया नहीं। हाँ क्योंकि वो सेमन जो है वो मैंने इंसर्ट नहीं कराया था, अगर मुझे पता होता हाँ कि ब्रीडर कौन है तो फिर मैं उसी हिसाब से। ठीक है सही है, अब पता होता कि ये बच्चा है, अभी मुझे पता नहीं था। हाँ लेकिन पंच फेस नहीं आया लेकिन प्योर थरी आया, काफी हेल्दी है। ठीक है सही है, तो ये क्या एवरेज क्या दे रही है ये मिल्क पे? इसका मिल्क का एवरेज भी अच्छा है, तकरीबन 3.5 किलो है इसका। 3.5 किलो एवरेज तो ये दे रही है, सही है टाइम का। टाइम का अच्छा यार ये जरा क्या मैं घुमाएंगे जरा इसको, जरा देखते हैं जरा आपको, जरा आपको चाल बाल भी जरा यार आपको दिखा देते हैं इसको। अच्छा यार ये थोड़ी बोली कमजोर हो रही है, क्या वजह है इसकी? ये कमजोर इसी वजह से है क्योंकि जो है सारा इसका जो भी खाती है मिल्किंग में ही जाता है। हाँ इस वजह से दूध वाले जो जानवर होते हैं वो उतने सेहतमंद भी नहीं होते, क्योंकि जो खाते हैं वो सारा मिल्क में चला जाता है, कैल्शियम वगैरह जो बात की जाती है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सही है। अच्छा और ये लाइव वेट में क्या होगी अब्दुल्ला? ये मैं मीट में आपको बता सकता हूँ, मीट में तकरीबन ये तीन मंथ होगी, 3 मंथ के अप्रोक्स होगी। ठीक है 3 मंथ से ज़्यादा हो सकती है लेकिन मैं आइडिया बता रहा हूँ 3 मंथ होगी। 3 मंथ होगी। अच्छा आप तुम लोगों को रिकमेंड क्या करोगे कि ये यदि मिल्किंग पर्पस के लिए ब्रीड के लिए? हाँ वही मिल्किंग पर्पस के लिए ब्रीड के लिए लें। हाँ बेहतरीन है, बहुत अच्छे बच्चे। दोनों में से बेस्ट क्या रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए लें, पंच फेस निकालें, इससे बहुत अच्छे बच्चे आएंगे। ठीक है सी चले भाई, अब इसके अलावा ज़रा नेक्स्ट आइटम देखते हैं ज़रा। अच्छा भाई अब्दुल्ला ये ब्रीड थरी? हाँ ये भी थरी है। हाँ ये भी प्योर है, प्योर थरी। हाँ, माशाल्लाह यार ये तो ये अच्छी है, वो सेहत वगैरह में तो हेल्थ में अच्छी है। और हाँ इसने बच्चे भी अभी जो दिया है इसने बहुत अच्छा बच्चा दिया है। अच्छा बच्चा तुम्हारे पास दिया है? हाँ मेरे पास ही दिया है बच्चा। बच्चा फॉर सेल है? फर्स्ट टाइमर है। नहीं फॉर सेल नहीं है, बच्चे अपने पास ही मैं रखता हूँ, उनको फिर बड़ा करके फिर आगे देखते हैं, सेल करते हैं, अपने पास ही रख लेते। ठीक है सही है, तो चाचू जरा आप इसका जरा चेहरा जरा डिसाइड करवाइएगा जरा। अच्छा भाई तो ये फर्स्ट टाइमर से मुराद क्या मतलब कि पहला झोल इसने दिया अभी तुम्हारे पास दिया है? जोटी है, जोटी। जोटी मींस? जोटी मतलब पहला पेट है। अच्छा पहला पेट है। ये चेहरा भी आपको दिखा दिया माशाल्लाह से, और चाचू घुमाए जरा इसको। अच्छा भाई तो ये अभी एवरेज क्या दे रही है तुम्हारे पास? एवरेज तकरीबन 6-6.5 किलो है इसका, इसका पर डे का है। ठीक है और ये अभी लाइव वेट भी क्या है? लाइव गोश्त का वेट बता देता हूँ, गोश्त का तकरीबन इसका है 4.5 मन के करीब है। 4.5 मन के करीब है जी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हो या कुछ है? हो सकता है 19-20 हो सकता है। हाँ तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। हाँ ठीक है सही है,
तो ये है कि तुमने वेट का भी बता दिया, तुमने मिल्किंग का भी बता दिया, और तुम इसको रिकमेंड क्या करोगे कि लोग इसको एक एज अ ब्रीडिंग के तौर पे उठाएं या वो एज अ मिल्किंग के लिए है? ब्रीडिंग के तौर पे उठाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, सही है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कार्गो जो है ऐसे इस तरह ना करवाएं, कोई हाँ। बंदा आए हाँ। पसंद करे और लेकर जाए। अगर कोई इंसिस्ट करता है भाई कार्गो करवा दें हम नहीं आ सकते, या कोई पंजाब के साइड है, तो ये है कि फिर ये वेट मशीन है, वेट करके भी मैं आपको दे दूंगा कि भाई ये वेट है, ऐसा वजन है जानवर का। अलग से वीडियोस भी मिल जाएंगे उन लोगों को? हाँ, वीडियोस भी अलग से मैं दे दूंगा उनको बना के। ठीक है, सही है। अच्छा भाई, अभी हमने अब्दुल्ला के सारे जो हैं फॉर सेल वाली जो भी काउज हैं तो वो हमने आपको दिखा दी। तो लास्ट में अब्दुल्ला हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ये जैसे वाटर स्प्लैश बोलते हैं ना, हाँ, ये एक मिल्क स्प्लैश है, मिल्क स्प्लैश होने जा रहे हैं बेसिकली। तो भाई पहले वाली आएगी अब्दुल्ला की, तो ठीक है सेकंड ये जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है भाई, चलो चलते हैं भाई अब्दुल्ला। अच्छा भाई, ये भी कैटल एंड डेयरी फार्म के ऊपर होने जा रहा है भाई, मिल्क स्प्लैश चैलेंज होने जा रहा है। चाचा तैयार? अब्दुल्ला तैयार, गो, हो जाए। चलो भाई चलो भाई, यानि को अब्दुल्ला बेहतरीन सीन हो गया वैसे। तो नुमान भाई, आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया क्या? हाँ भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड है भाई, मिल्क स्प्लैश चैलेंज। हाँ भाई, गुल्लू तैयार है, मारो नुमान भाई। एक मिनट रुको भाई, अभी अभी तैयार, चलो मारो एक स्प्लैश। भाई नुमान भाई ने बेहतरीन चैलेंज एक्सेप्ट किया भाई, बेहतरीन चैलेंज किया। हालत देखो क्या हो गई मेरी, सिंधी बोलते हैं मिठी खीर, क्या कह रहे हैं? मिठा खीर, मिठा खीर। चलो भाई आ गया भाई। ओके व्यूअर्स, ये तो थी वीडियो एबी कैटल एंड डेयरी फार्म की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अब्दुल्ला का नंबर यहाँ पे आ रहा है, वीडियो में भी आ रहा है, और उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। इंशाल्लाह अपकमिंग लाइव सर्विस भी आने वाली है एबी कैटल एंड डेयरी फार्म के ऊपर, और अपकमिंग वीडियोस भी आने वाली हैं इसी कैटल फार्म के ऊपर। तो मिल्क स्प्लैश चैलेंज आप लोगों ने देखा, उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने किसी भी फेवरेट यूट्यूबर की प्रोफाइल के ऊपर जाके आप उस पर कॉमेंट कर सकते हो कि भाई आप लोग भी मिल्क स्प्लैश चैलेंज करें। तो मैं जो ये मिल्क स्प्लैश चैलेंज ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ हमारे भाई बकरामंडी पाकिस्तान को, ए आर मानी और मुजम्मिल भाई को, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो अहबाब ठीक है यार, ये तुम्हारे सामने यार एक प्रमोशन हो रही है, तो भाई यार ये ठीक है यार, अहबाब वालों की तरफ से यार, ये तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। और ये है कि पसंद आए तो जाहिर सी बात है कि दोबारा यार इस पर परचेज ज़रूर करना। तो चलो यार, ये अब्दुल्ला के वजह साथ के बंदे यार, उन्होंने भी यार मैं काफ़ी मेहनत की जो यहाँ पे इसके वजह सेटअप को देखे होते हैं, तो सोचा कि चलो यार इन्हें भी दे देते हैं। आए चाचा, ये लीजिएगा यार, ये तोहफा यार आपके लिए, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। तो चलो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट शॉट पे, तब तक के लिए मुझे और अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।